Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Environmental study. Hello dear student, we are going to learn environmental study part 2 English in class 5. Do you know this? The earth is subject to cycle of glacial and the interglacial period. In the glacial period, most of the earth's surface covered with ice sheet and climate is extremely cold and dry. अभी यहाँ पे बच्चों जैसे मैंने बताया कि जो हमारा जो सोलर सिस्टम है हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट है, जैसे हमारे 8 प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट है। लेकिन यहाँ पे बच्चों जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, अभी यहाँ पे आप प्लैनेट अर्थ देख रहे हो बच्चों, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसका जो पार्ट्स है, मतलब वो क्या है, जब बना था तो काफ़ी हॉट था। लेकिन हम देखो बच्चों, हम कोई भी चीज़ पकाते हैं, जैसे घर में है, मम्मा आपके लिए सूप बनाती होगी, गर्मा गर्म सूप, या पकौड़े बनाती होगी, तो मम्मा बोलती होगी ना आपको ठंडा करके खाना है, ठंडा करके नूडल्स खाना है। तो देखो नूडल्स हो गया या पकौड़े हो गए या सूप हो गया, वो 5 या 10 मिनट में ठंडा हो जाता। लेकिन हमारा जो अर्थ है काफ़ी क्या है बच्चों, काफ़ी हॉट है, काफ़ी गर्म है, तो इसे ठंडा होने के लिए काफ़ी टाइम जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा अर्थ का जो पार्ट है काफ़ी क्या है, कोल्ड है, मतलब ठंडा है और ड्राई है। द लेवल ऑफ वाटर इन द सी फॉल्स बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इट इज़ कन्वर्टेड इंटू आइस। अभी यहाँ पे जो हमारी जो वाटर की क्वांटिटी है प्लैनेट अर्थ में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे प्लैनेट अर्थ में जितने भी पार्ट्स है ज़्यादातर आइस है। जैसे आपने आइसलैंड देखा होगा, अंटार्कटिका देखा होगा, और जैसे हम इंडिया में, जैसे हम ऐसी बर्फीले इलाके में जाते हैं जैसे मनाली हो गया, शिमला हो गया, जहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ती है। एंड इंटरग्लेशियल पीरियड ऑफ इस पीरियड बिटवीन टू ग्लेशियल पीरियड ड्यूरिंग दिस इंटरग्लेशियल पीरियड अ लार्ज पार्ट ऑफ द आइस ऑन द ग्राउंड मेल्ट। अभी यहाँ पे जब इंटरग्लेशियल पीरियड आता है, जब काफ़ी समर पड़ती है, तो ये जो बर्फ़ होते हैं बच्चों वो पिघलना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे घर में आइस होगा, देखो ये एक्सपेरिमेंट आप इजली घर में कर सकते हो। देखो आपके घर में आइस क्यूब होगा, फ्रीजर में आइस क्यूब होगा, तो उसे आप क्या कर सकते हो, उसे आप अगर आप उसे रूम टेम्परेचर में रखोगे, बाहर ऐसे किसी प्लेट में या ग्लास में रखोगे, तो कुछ मतलब सेकेंड के वाइज वो जो बर्फ़ है वो पिघलने लगेगी। See the level rise, the climate become warmer and the more humid when some region in the world experience glacial. Asia and Africa experience heavy rainfall. अभी यहाँ पे आपने देखा कि अभी हमारा जो planet रहता है काफ़ी गर्म है, अब उसे यहाँ पे ठंडा होने के लिए काफ़ी टाइम जाएगा, क्योंकि जब वो ठंडा हुआ तो काफ़ी हर तरफ बर्फ़ बर्फ़ नज़र आ रहा है, वहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी क्या है, कोल्ड है। अभी यहाँ पे जब हमने देखा कि यहाँ पे जब ग्लेशियल कोल्ड है, एशिया अफ्रीका का जो अफ्रीका में की जो कंट्री में काफ़ी बारिश हो रही है तेज़दार। ऑन द अदर हैंड व्हेन सम रीजन एक्सपीरियंस इंटरग्लेशियल, एशिया अफ्रीका एक्सपीरियंस पुअर रेनफॉल। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा भी होता है, जैसे हमारे कभी कंडीशन में कुछ चेंजेस आता है कभी कभी, तो देखो हमने देखा होगा अभी विंटर में बारिश हो रही है, और कभी कभी तो हमने समर में भी देखा होगा बारिश हो रही होगी, तो मतलब ये अनएक्सपेक्टेड रेन कभी कभी हो जाती है। आफ्टर 25 लाख ईयर्स अगो, इट डेट इज इन द टाइम्स ऑफ होमो हैबिलिस द क्लाइमेट हैज स्टार्टेड बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। अभी यहाँ पे 25 लाख ईयर्स अगो, मतलब 25 साल पहले की बात है कि यहाँ पे जो होमो हैबिलिस, जैसे वो इंसान, जैसे बहुत सारे इंसान आए, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नियंडरथल, होमो सेपियंस, लेकिन उस टाइम का जो क्लाइमेट काफ़ी ठंडा और ड्राई था, सूखा था। ड्यूरिंग दिस द पीरियड ऑफ फ्रॉम 18 लाख ईयर्स टू 11,000 ईयर्स अगो देर हैव बीन 4 मेजर साइकिल ऑफ ग्लेशियल इंटरग्लेशियल पीरियड। अभी यहाँ पे जब मेजर ग्लेशियल इंटरग्लेशियल पीरियड आया, मतलब उस टाइम पर क्लाइमेट काफ़ी कोल्ड था। दिस इज ऑल्सो द पीरियड वैन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कल्चर फ्रॉम ओल्ड स्टोन एज टू मिडल स्टोन एज टुक शेप। अभी यहाँ पे जब ह्यूमन कल्चर का जब स्टोन एज टू मिडल स्टोन एज तक आया, तो हमारी जो प्लानट अर्थ थी वो प्रॉपर एक शेप में आ गई थी, हमारा प्लानट जो अर्थ है प्रॉपर शेप में आ गया था। अबाउट 11,000 ईयर्स अगो द लास्ट ग्लेशियल पीरियड केम टू एन एंड
द करंट इंटरग्लेशियल बिगेन, अभी यहाँ पे जो लास्ट आया ग्लेशियल पीरियड आया वो खत्म होने वाला था, इंटरग्लेशियल पीरियड की शुरुआत हो रही थी, द क्लाइमेट स्टार्टेड टू बिकम वार्मर एंड मोर ह्यूमिड, फिर क्लाइमेट उस समय क्या हो गया, काफ़ी गर्म हुआ फिर ज़्यादा ह्यूमिड हो गया, एग्रीकल्चर एंड द न्यू स्टोन एज ऑल्सो बिगेन एट दैट अबाउट द सेम टाइम, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे जब जैसे ओल्ड स्टोन एज का ज़माना आया था, मिडल स्टोन एज का ज़माना आया था, न्यू स्टोन एज आया, जब न्यू ओल्ड यहाँ पे जब न्यू स्टेन एज का ज़माना आया तो उस टाइम क्या हुआ, हमारा क्लाइमेट काफ़ी नॉर्मल हो गया, मतलब जितने भी होमोशिपिंग शिपिंग के जो इंसान थे वो अच्छी तरह से ज़मीन पर रहने लगे थे, उन्होंने केव बना लिया था, हट बना लिया था, एनिमल्स की हंटिंग कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे, ग्रेन्स को ग्रो ग्रेन्स की एग्रीकल्चर ग्रो कर रहे थे, ग्रेन्स ग्रो कर रहे थे, प्लांटेशन कर रहे थे, उन्हें पता था कि उन्हें फूड ग्रेन्स कैसे प्रिजर्व करके रखना, संभाल के रखना, तो ये काफ़ी चेंजेस हमारे ह्यूमन बींग की लाइफ में आई। तो बच्चों आज का जो लेसन है हमारा, लेसन नंबर 8 है बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ, वो भी हम इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट टू इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 में। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। एट पॉइंट वन बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर, अभी यहाँ पे हमने देखा बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ, जैसे मैंने आपको बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दिया, जब हमारा प्लैनेट अर्थ बना, जैसे सोलर सिस्टम पर प्लैनेट अर्थ बना, लेकिन हमारी लाइफ कहाँ पर एग्जिस्ट है, ओनली प्लैनेट अर्थ पर है, और फिर जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आए, प्लांट्स आए, एनिमल आए, बर्ड्स आए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, फिर ह्यूमन बींग आए, हमारे प्लैनेट अर्थ में कौन आए, ह्यूमन बींग आए, तो ह्यूमन बींग की भी काफ़ी थी, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नियंडरटल, होमो सेपियंस सेपियंस एप से आए, मतलब ये जो डार्विन की थ्योरी थी, फिर वो टाइम के साथ वो चेंजेस लगे कि उन्हें कैसे प्लैनेट अर्थ में रहना, ज़मीन पर उन्हें कैसे गुजर बसर करना है। 8.2 स्पेशल स्किल्स एंड वेरियस ऑक्यूपेशन, मतलब उन्हें कौन से काम करना, क्योंकि उसे इतनी समझ नहीं थी, जैसे हम पहली बार किसी नए जगह पे आएंगे तो हमें बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था हमें कैसे रहना है, कैसे काम करना है, तो वैसे यहाँ पे जब प्लैनेट अर्थ पे ह्यूमन बींग आया तो उसे मतलब टाइम के साथ साथ मतलब चेंजेस आने लगा कि उसे कैसे हंटिंग करनी है, कैसे फिशिंग करनी है, कैसे उसे एनिमल्स की डेड स्किन के कपड़े बना के पहनना है, कैसे केव बनाना है, कैसे होम बनाना है, कैसे उसे एग्रीकल्चर ग्रो करना है, तो इस तरह चेंजेस आने लगे। 8.3 कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन, फिर उनकी जो उनका एक कम्युनिटी बन गया, मतलब उनका एक ग्रुप बन गया, वो फिर फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करने लगे, मतलब एक ग्रुप में वो रहने लगे। 8.4 स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस, अभी उनके जैसे आज हमारा जो मॉडर्न ज़माना है, जैसे हम अभी बच्चों 2023 में जी रहे, अभी हम चौल या ऐसे भी बहुत से लोग जो चौल में भी रह रहे, हट में रह रहे, लेकिन देखो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जिसको गॉड ने कुछ अच्छे अच्छे पैसे दिए, लग्जरी लाइफ दिए, तो वो बंगलों में रह रहे, टावर में रह रहे, बिल्डिंग में रह रहे, फ्लैट में रह रहे हैं। जैसे आपने शहर के घर देखा होगा, जो शहर के जो सिटीज़, जैसे हम इंडिया कंट्री से हैं, इंडिया कंट्री में जैसे हम बॉम्बे सिटी में रह रहे, तो देखो बॉम्बे सिटी में आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटी सुपरस्टार हो गया, उनका एक अपार्टमेंट होता है, और आपने सिटी में बहुत सारे मॉल देखे होंगे, कंपनियाँ देखी होंगी, हाउसेस देखे होंगे, बिल्डिंग फ्लैट देखे होंगे, टावर देखा होगा, बंगलो देखे होंगे, तो यहाँ पे जो ह्यूमन बींग का जो हाउसेस का रहने का स्ट्रक्चर कैसा है। 8.5 विलेज सेटलमेंट एंड किनशिप एंड फैमिली, अभी यहाँ पे जैसे हमारा नेटिव प्लेस होता है तो उस टाइम पे विलेज सेटलमेंट, मतलब उन्होंने गांव भी बना लिया था, कैसे उन्होंने मतलब लैंड, जैसे हमारा से लैंड था, लैंड में हमारे बहुत सारी कंट्री थी, तो उन्होंने क्या किया, हाफ पार्ट को क्या बना दिया, सिटी बना दिया, हाफ पार्ट को क्या बना दिया, विलेज बना दिया, कि यहाँ पे हम एग्रीकल्चर ग्रो करेंगे, जैसे आज हमारा नेटिव प्लेस होता है ना, आप वेकेशन में जाते होंगे, आपके मम्मी डैडी के साथ जाते होंगे, कि आपने देखा होगा, आपने देखो आपके जो दादा दादी होंगे वो भी गांव में रहते होंगे, तो देखो वो भी क्रॉपिंग का काम करते होंगे, फार्मिंग का, उन्हें कैसे एग्रीकल्चर ग्रो करना है। तो यहाँ पे जो हमारा लेसन 8.2 हमारा जो 8.1 है बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर, मतलब अभी भी ह्यूमन बींग है वो तरक्की कर रहा है, मतलब उसे समझ में आ रही कि मुझे कैसे कौन से एनिमल्स को मुझे पालना चाहिए, मुझे कौन सी क्रॉप करनी चाहिए, क्योंकि उनके डाइट में भी काफ़ी चेंजेस आ रहा था, पहले वो क्या कर रहे थे, एनिमल को हंट करके ऐसी रॉ खा लेते, फिर बाद में उसे भूनने लगे, रोस्टेड करके खाने लगे, फिशिंग करने लगे, फिर वो फ्रूट्स खाने लगे, वाइल्ड फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने लगे, फिर उन्हें समझ में आया कि हमें अभी एनिमल्स की हंटिंग के अलावा हमें हमारे डाइट में कुछ और भी ऐड करना चाहिए, जैसे मिल्क हो गया, फूड ग्रेन्स हो गए, ये सब हमें ऐड करने चाहिए। डोमेस्टिकेट एनिमल्स लाइक द डॉग, गोट
शीप कैटल बफेलो एक्सेट्रा आर यूजफुल टू मैन आर यूजफुल टू मैन इन मैनी वे। अभी यहाँ पे जैसे आपने डोमेस्टिक एनिमल तो देखा होगा, जैसे बहुत सारे लोग हैं आज भी जो हम 2023 के ज़माने में रहते हैं, लेकिन आज भी एज अ पैट लोग डॉग पालते हैं, पपी पालते हैं, कैट पालते हैं। और देखो डोमेस्टिक एनिमल आपने गोट देखा होगा, जैसे जो डॉग है काफ़ी फेथफुल एनिमल होता है, गोट देखा होगा, जो बकरियाँ होती हैं, शिप होती है, वो भी हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। जैसे उनका हम मीट खाते हैं, उनकी जो स्किन रहती है उनसे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बूट बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं। कैटल बफेलो देखा होगा आपने, जैसे गाय बफेलो से हमें मिल्क मिलता है जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। स्टेप इन द डोमेस्टिकेशन ऑफ अ स्पीशीज ऑफ एनिमल। अभी यहाँ पे थ्री मेन स्टेप है जो हमारे डोमेस्टिकेशन स्पीशीज को में है, एनिमल्स में है। नंबर वन, कैप्चर ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स को हमें कैसे कैप्चर करना है, कैसे उसका शिकार करना है। नंबर टू, टेमिंग द कैप्चर एनिमल डेट इज ट्रेनिंग देम टू लीव विथ ह्यूमंस, मतलब हमें एनिमल्स का कैसे शिकार करना है और एनिमल्स को कैसे ट्रेन करना है। मतलब बहुत से ऐसे भी एनिमल्स रहते हैं वो इंसानों की, मतलब ह्यूमन की लैंग्वेज इतनी समझने लगते हैं कि उनके इशारे से आने लगते हैं, उनके पास बैठने लगते हैं। नंबर थ्री, ऑब्टेनिंग यूजफुल मटेरियल लाइक मिल्क एक्सेट्रा फ्रॉम देम एंड ट्रेनिंग देम टू वर्क फॉर ह्यूमन एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। अभी आपने देखा होगा ऐसे भी बहुत सारे मटेरियल जो यूज़ होते हैं, जैसे कावा फिले से हमें मिल्क मिलता है, जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा वन द थर्ड स्टेप इज अचीव द एनिमल सपोज टू बी कम्प्लीटली डोमेस्टिकेटेड। अभी यहाँ पे थर्ड स्टेप मतलब हमें ऐसा लगता है कि जो एनिमल्स हैं हमें हार्म नहीं करेंगे, हमारे काफ़ी हेल्प काफ़ी यूजफुल है। जैसे आपने देखा होगा डोंकी हो गया, हॉर्स हो गया, काव बफेल हो गया, शिप हो गया, गोट हो गया, वो हमारे काफ़ी हमारे काम आता है। डोमेस्टिक एनिमल एंड कीपिंग दैम फॉर आवर ओन यूज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसे आपने विलेज में देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे भी जो अपने फील्ड में गोट पालते, शिप पालते, कैट पालते, बफेलो पालते, कि वो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब उनकी देखभाल करना, उनसे जो भी हमें फ़ायदे मिलते हैं, जैसे काऊ बफेलो से हमें मिल्क मिलता है, जैसे हम बटर घी बनाते हैं और अपने बटर घी बनाते हैं। और आपने जैसे शीप देखा होगा, गोट जिससे हमें मीट मिलता है, और शीप गोट हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, और शीप से हमें वूल भी मिलता है। और आपने देखा होगा जैसे डॉग हमारा काफ़ी यूज़फुल होता है, वो हमारी काफ़ी वफादारी करता है, हमें स्ट्रेंजर चोरों से बचाता है। इन द सिक्स लेसन वी हैव सीन दैट द डॉग वॉज डोमेस्टिकेटेड इन द मिडल ऑफ स्टोन एज। अभी आपने सिक्स लेसन में देखा होगा कि यहाँ पे मिडल स्टोन एज में लोग डॉग को भी पालते थे एज अ डोमेस्टिक एनिमल्स, की मतलब करते थे कि वो अच्छा एनिमल है। डॉग इज द फर्स्ट एनिमल है बीन डोमेस्टिकेटेड। अभी यहाँ पे डॉग जो है फर्स्ट एनिमल है कि मिडल स्टोन एज के ज़माने से चलते आ रहा है। डॉग्स वॉर यूज टू हेल्प विथ हंटिंग, मतलब डॉग्स उनकी हंटिंग में हेल्प करता था। जैसे जो मिडल स्टोन एज के जो इंसान थे वो हंटिंग के लिए जाते थे, शिकार करने के लिए। जैसे आज भी आपने सुना होगा कि बहुत से टीवी शो में या सीरियल में देखा होगा कि जो किंग रहते हैं, प्रिंस रहते हैं, वो देखो जंगलों में जाते हैं एनिमल्स हंटिंग करने के लिए, शिकार पे जाते हैं। द गोट एंड शीप वर डोमेस्टिकेटेड नेक्स्ट, मतलब जो गोट है उसके बाद पहला हमारा डोमेस्टिक एनिमल वो कौन था बच्चों, डॉग था, मतलब वो हम हेल्पिंग इन हंटिंग में काफ़ी हेल्प करता। उसके बाद कौन आया, गोट और शीप आया, मतलब वो डोमेस्टिक एनिमल बन गए। अभी यहाँ पे बच्चों आपको दिखाई दे रही है पिक्चर, ये मॉडर्न बुल है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एनकेस्टर ऑफ द मॉडर्न बुल द वाइल्ड बुल। अभी यहाँ पे जैसे मॉडर्न बुल का मतलब रिकंस्ट्रक्शन हुआ, वो वाइल्ड बुल बन गया, मतलब ये जो आपने बुल देखा होगा बुल्लक काट। एग्रीकल्चर, ये अभी यहाँ पे जो हम खेती बाड़ी हमें कैसे करनी है,
आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज अवेलेबल टू शो डैट एग्रीकल्चर फर्स्ट बिगेन अबाउट 11,000 ईयर्स अगो इन इसराइल एंड इराक। अभी यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल है मतलब वो उन्होंने उनकी सर्च के मुताबिक मतलब उन्होंने जो सर्च किया था मतलब उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हमें जो सबूत मिलते हैं मतलब उन्होंने सर्च के मुताबिक आर्कियोलॉजिकल जो होते हैं उनके प्रूफ के हिसाब से क्या लगता है कि एग्रीकल्चर जो है वो कब से हो रहा है 11,000 साल पहले मतलब वो भी कहाँ पर हो रहा है इसराइल और इराक में हो रहा है। मतलब इसराइल इराक क्या है बच्चों एक कंट्री है मतलब वहाँ पे 11,000 पहले से एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी का काम हो रहा है। वोमेन आर क्रेडिट टू हैव स्टार्टेड कल्टीवेशन मतलब इसमें औरतें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, औरतें भी मतलब ये खेती बाड़ी का काम कर रही है। पॉइंटेड स्टिक एंड प्रीपोर्टेड स्टोन यूज फॉर सोइंग। अभी यहाँ पे आपको पॉइंटेड स्टिक नज़र आ रही है और प्रीपोर्टेड स्टोन आपको यूज़ वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है सोइंग के लिए। जैसे उन्हें बीज बोना होता है जो भी बीज बोना होता है उन्हें मिट्टी में उसे उगाना होता है तो वो पॉइंटेड स्टिक परफोरेटेड स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको कुछ वुमेन्स नज़र आ रही है, कुछ ऐसी औरतें हैं यहाँ पे जो खेती बाड़ी का काम कर रही है। वोमन यूजिंग पॉइंटेड स्टिक टू सो सीड। यहाँ पे औरतें किसका इस्तेमाल कर रही है पॉइंटेड स्टिक का इस्तेमाल कर रही है बीज उगा रही है। दे माइट है यूज पॉइंटेड स्टिक टू सो सीड। वोमन इन सम ट्राइब स्टिल सो सीड बाय हिज मेथड इन ऑर्डर टू हेल्प dig deeper into the soil the stick was weighted using perforated stone। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे वो खेती बाड़ी का काम करे। प्लग पुल बाय बुल्लक इजिप्ट। अभी इजिप्ट में कैसा बुल्लक को लेकर जाया जा रहा है कैसे प्लफिंग का इस्तेमाल कर रहा है मतलब इजिप्ट में ये खेती बाड़ी का काम हो रहा है। In the previous lesson, we have learned that people had to stay in one place because of the nature of agricultural work. Agricultural production increased considerably after the plough pull. But animals came into use. Agriculture became the main source of livelihood. Now people began to worship nature and various that is for food crops। अभी यहाँ पे आपने देखा कि कैसे लोग एनिमल्स का इस्तेमाल करें जैसे आज अगर हमें जैसे हल चलाने के लिए हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन बहुत से लोग मतलब किसका इस्तेमाल करते हैं ऑक्स का बुल्लक का काओ इन बफेलो का इस्तेमाल करते ताकि वो मतलब जो मतलब फील्ड में वो इस एनिमल का इस्तेमाल ताकि उनका उनकी जो क्रॉप्स है वो अच्छी तरह से ग्रो हो। Essential things like sharing of agricultural tasks and water resources and the security of the living settlement gain importance। अभी यहाँ पे आपने देखा जो essential thing है agriculture tasks के लिए जैसे अगर हमें फसलें उगानी है तो हमें किसकी ज़रूरत है पानी की खाद की कंपाउंड की मैन्योर की हर चीज़ की ज़रूरत है ताकि हमारी जो खेती बाड़ी अच्छी तरह से हो सके हमें फसलें अच्छी मिले। The village settlement gain importance. People in the village settlement established some rules and custom to manage this thing. अभी यहाँ पे डे बाई डे जो थे जो इंसान थे वो मतलब गांव में सेटल होने लगे मतलब कुछ वक्त के साथ और उन्होंने गांव में कुछ रूल्स भी बना लिया था कानून भी बना लिया था उनका एक कस्टम बन गया मतलब उनका एक कम्युनिटी बन गई थी। दस अ सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर केम इनटू एक्सिस्टेंस। अभी यहाँ पे जो सोशल सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है मतलब एग्रीकल्चर जो भी सिस्टम हो रहा है वो भी सही से होने वो चलने लगा। स्पेशल स्किल इन वेरियस ऑक्यूपेशन। अभी यहाँ पे क्या हो गया उनका एक टैलेंट आने लगा। अभी यहाँ पे जो जैसे इंसान तरक्की कर रहा है ह्यूमन बींग के अंदर एक टैलेंट आने लगा स्किल्स डेवलप होने लगे और वे बहुत सारे ऑक्यूपेशन वो बहुत सारे ऑक्यूपेशन उन्होंने चुन लिए थे जैसे हमारे जो स्किल्स होते हैं जैसे हमारे अंदर एक आर्टिस्ट एक किसी के हमें बहुत सारे आपने ऑक्यूपेशन देखे होंगे बहुत सारे कम्युनिटी हेल्पर्स देखे होंगे जैसे आपने टीचर देखा होगा डॉक्टर इंजीनियर पायलट एडवोकेट मिल्कमैन ग्रोसरी आपने ये देखा होगा पेंटर देखा होगा एक्टर डांसर क्रिकेटर स्पोर्ट प्लेयर देखा होगा डांसर देखा होगा मतलब हर इंसान के अंदर एक नया टैलेंट होता है एक स्किल्स होता है जिसको वो सबके सामने रिप्रेजेंट करता है। इन द टाइम बिफोर अभी यहाँ पे
इन द टाइम बिफोर एग्रीकल्चर पीपल ऑब्टेन फूड सच एज मीट फ्रूट्स टू रूट्स बाय हंटिंग गैदरिंग. अभी जैसे पहले बार जब प्लानट अर्थ पे इंसान आया था उसे कुछ समझ नहीं थी, मतलब उसे वो उसे हर तरफ क्या नज़र आ रहा था बच्चों, उसे सिर्फ जंगल ही जंगल नज़र आ रहा था. उसे ऐसा समझ में, उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, मतलब वो सिर्फ हंटिंग कर रहा था, एनिमल्स को किल करके मार रहा था, एनिमल्स को किल करके उसे खा रहा था. और फिर वो क्या कर रहा था, मतलब फ्रूट जो भी वाइल्ड फ्रूट जमा कर रहा था, वेजिटेबल्स और उनके जो डेड एनिमल्स की जो स्किन, उन्हें एज अ क्लोथ इस्तेमाल कर रहा था, केव बना रहा था, हट बना रहा था लकड़ियों से, बट कुड नॉट स्टोर इट फॉर लॉन्ग टाइम. अभी ये तरीका जो सिर्फ थोड़े दिन तक का था, ऐसा नहीं कि वो अभी भी हंटिंग करे, गैदरिंग करे और वो ऐसा जी रहे, मतलब उनके उनकी लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे. देयर फॉर ऑल मैन वुमेन इन कम्युनिटी वर्क और वुमेन इन द कम्युनिटी वर्क कंस्टेंटली इंगेज इन गेटिंग फूड. फिर उनका ये कम्युनिटी बन गई, मतलब उनका एक काफ़ी ग्रुप बन गया. इन द एग्रीकल्चर सिस्टम इट बिकेम पॉसिबल टू स्टोर फूड ग्रेन. अब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सिस्टम आया था तो मतलब उस ज़माने में मतलब वो था कि वो फूड ग्रेन्स को संभाल के रखते थे. देर वॉज मोर फूड अवेलेबल दैन वॉज नीडेड बाई द कम्युनिटी. सम वोमेन एंड मैन दस बिगेन टू गेट स्पेयर टाइम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड फॉर यूजिंग देयर नेचुरल क्रिएटिविटी टू डेवलप स्पेशल स्किल्स. अभी ये ज़माने मतलब वो जो ह्यूमन बींग थे, मतलब जो इंसान थे, जो मेल और फीमेल थे, मैन वुमेन थे, उनके अंदर काफ़ी टैलेंट था. वो मतलब वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे थे, मतलब वो अपना टैलेंट प्रेजेंट कर रहे थे. अभी यहाँ पे जो एक यहाँ पे एक आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है बच्चों, ये जो पिक्चर है यहाँ पे, ये वुमेन है वो क्या कर रही है, अ पॉटर अ वुमेन पॉटर विथ हैंडमेड पॉट, मतलब उसे जो भी सॉइल मिल रही थी, मतलब वो गीली मिट्टी से क्या बना रही थी, बर्तन बना रही थी. आपको नज़र आ रहा है जैसे ये औरतें में भी टैलेंट होता है ना, जैसे पेंटिंग करना, ड्राइंग करना. अब तो वो गीली मिट्टी से क्या बना रही थी, हाथों से वो हैंडमेड पॉट्स बना रही थी. जैसे आपने आप देखा होगा पॉटर मैन को देखा होगा कैसे बर्तन बनाता है, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये औरत है, जो वुमेन है, वो क्या बना रही है, हाथों से पॉट बना रही है. Members with such special skill were given work based on those skills. Thus, across craft like making earthen pots, beads, etc. It is believed that in the New Stone Age, women made earthen pots and other earthen objects by hand. अभी यहाँ पे जैसे जैसे न्यू स्टोन एज में जैसे कि जो कुछ औरतें थी वो क्या मिट्टी के बर्तन बनाती थी, और मतलब हाथों से बनाती थी जो भी थे अर्थन पॉट, जैसे पॉट होते हैं, प्लेट होते, ग्लास होते, जो भी यूटेंसिल थे वो मतलब मिट्टी के बर्तन वो हाथों से बनाती थी. 8.3 कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉपरेशन. अभी यहाँ पे जो उनकी जो कम्युनिटी लाइफ, एक म्यूचुअल कॉपरेशन, मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करके वो काम कर रहे थे. फार्मर इन द विलेज सेटलमेंट वर नाउ प्रोड्यूसिंग सरप्लस फूड. दे नीड ए स्किल्ड क्राफ्टमैन फॉर टास्क लाइक मेकिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट एंड रिपेयरिंग देम. सर क्राफ्टमैन वर पेड इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड अदर आर्टिकल द क्राफ्टमैन नीडेड टू ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस. The price of this raw material was also paid in the form of good food grain articles. Thus, the barter of system buying selling was established. अभी यहाँ पे वो फूड ग्रेन कैसे उनका क्रॉप का काम, एग्रीकल्चर का जो अच्छी तरह से उनकी ग्रो होने लगी, जो भी ग्रेन्स रहते थे वो क्या करते थे, बिजनेस करने लगे. जो भी जैसे बल्सेस हो गए, वीट हो गए, राइस हो गया, जवार बाजरा हो गया, उन्हें क्या करने लगे थे, बेचने लगे थे कस्टमर से. द बार्टर सिस्टम ऑल्सो बिगेन टू यूज व्हेन देयर वर नीडेड टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल, फिशिंग ऑब्जेक्ट एंड अदर मटेरियल फॉर डेली ऑफ डेली यूज एक्सेट्रा फ्रॉम अदर प्लेस. सॉल्ट इज एसेंशियल आइटम. मोस्ट ऑफ द विलेज सेटलमेंट नीडेड टू ऑब्टेन फ्रॉम फार अवे प्लेसेज. सॉल्ट ट्रेडर ऑल्सो ट्रेडेड आर्टिकल दे रिसीव इन एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट. अभी यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह उनका बिजनेस शुरू हो गया था. जैसे जो भी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ला रहे थे, जैसे वो वीट ला रहे थे, राइस ला रहे थे, जवार, ग्रेन्स, पल्सेस ला रहे थे, तो वो क्या करने लगे थे, वो अच्छे प्राइस में क्या कर रहे थे, वो बेच रहे थे. अब वो सॉल्ट की ट्रेडिंग कर रहे थे, जैसे उन्हें नमक बेच रहे थे अच्छे प्राइस में.
द सॉल्ट ट्रेड हेल्प द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड इन द न्यू स्टोन एज. अब यहाँ पे जो सॉल्ट ट्रेड का जो हो रहा था एक्सपेंशन न्यू स्टोन एज में अच्छी तरह से हो रहा था पत्थरों के ज़माने में. अभी यहाँ पे जो हम कम्युनिटी द विलेज कम्युनिटी मेड रूल्स फॉर म्यूचुअल कॉपरेशन इन ऑर्डर टू कीप द सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज रनिंग स्मूथली. अभी यहाँ पे जो इनका काम काफ़ी अच्छे से हो रहा था, काफ़ी अच्छे से लाइफ गुजार रहे थे, मतलब जो भी रूल्स बनाए थे, जो भी एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे, काफ़ी अच्छे से उनका जा रहा था. पीपल रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेशन ऑफ दिस रूल बिकम द चीफ ऑफ द विजय सेटलमेंट. फिर जैसे जैसे उनकी जो कम्युनिटी थी वो क्या होने लगी, बड़ी होने लगी, तो उन्होंने जैसे एक को लीडर बना लिया था. जैसे आज हमारे हमारी जो आज की जो कंट्री हमारे जैसे आज 2023 में हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो उस टाइम पे वो भी किसी को चीफ मतलब ऐसे पर्सन की तलाश कर रहे थे जो लीडरशिप करे. द चीफ और ऑल्सो इंडस्ट्री द प्रोटेक्शन ऑफ विलेज. मतलब ऐसा चीफ पर्सन रहेगा जो मतलब इक्वल रूल्स बनाएगा हर किसी के लिए. दिस इज़ हाउ द विलेज एडमिनिस्ट्री सिस्टम केम इन टू बींग. एविडेंस ऑन प्रोडक्टिव वर्ल्स एंड मोड अराउंड द विलेज सेटलमेंट ऑफ द न्यू स्टेन हैज़ बीन फाउंड इन द एक्सकेविशन. दिस वॉल्स वर बिल्ड टू प्रोटेक्ट द विलेज सेटलमेंट फ्रॉम फ्लड्स, वाइल्ड एनिमल्स, आउटसाइडर हु स्टोल द विलेज कैटल. मतलब वो किसको चीफ बना रहे थे कि हमारे गांव का क्या बनेगा, कोई मुख्यमंत्री जैसे सरपंच होते हैं ना, जैसे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, नेता होते हैं ना एमएलए वगैरह के लिए, तो वो अपनी कम्युनिटी के लिए किसी को चीफ बना रहे थे जो हमारे लिए एक नया रूल्स बनाए. जैसे हर किसी से लेके हर किसी, जैसे हमारे कभी विलेज में कभी फ्लड आ गया या वाइल्ड एनिमल्स आ गए या कोई कहीं से चोरी हुई, तो उनके लिए भी एक सही इंसाफ होना चाहिए जो सही का फैसला करे. 8.4 स्ट्रक्चर ऑफ द हाउसेस. द हाउसेज एट द बिगनिंग ऑफ न्यू स्टेन एज वर मेड ऑफ पोर्टल एंड डब. द वॉल्स आर स्किन वॉन फॉर्म स्टिक और बाम्बू प्लास्टर्ड विद मर्ड एंड काउगा डंग. अभी जब वो कच्चा, जैसे अभी उस ज़माने में जो घर था काफ़ी कच्चा था, वो मिट्टी के में मतलब वो क्या करते, कैसे घर बनाते थे, लकड़ी हो के, घास फूस के, और जैसे वो मिट्टी के घर आपने देखे होंगे, मिट्टी का घर, मिट्टी से क्या करते थे, प्लास्टरिंग करते थे. जैसे आपने देखा होगा जो गाँव का घर कैसा रहता है, बाम्बू या घास फूस से बना हुआ, लकड़ी से बना हुआ घर होता है, कच्चा घर होता है, और उससे किससे प्लास्टरिंग करते थे, मड़ और काउडंग से. जैसे आपने मिट्टी देखा होगा और गोबर देखा होगा. लेटर द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज सेटलमेंट ग्रू बिकॉज फूड वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी. फिर जैसे टाइम के साथ डे बाई डे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, क्योंकि पॉपुलेशन क्यों बढ़ने लगी, इसकी वजह से हमारे पास काफ़ी क्वान्टिटी में फूड प्रेजेंट है. द विलेज सेटलमेंट बिकम परमानेंट एंड एक्सपांडेड. अभी यहाँ पे जो विलेज सेटलमेंट था हमारा परमानेंट बन गया था, मतलब वो चाह रहे थे कि वो मतलब उनका सेटलमेंट काफ़ी अच्छा होते जा रहा, काफ़ी फूड ग्रेन्स ग्रो हो रहे, तो उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी. स्ट्रीट लेटर पीपल बिगेन टू. अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये पीछे आपको तस्वीर नज़र आ रही है, क्वाड्रेंगुलर हाउसेस बी कंसिडर फ्रॉम द ट्रेस ऑफ राउंड पोस्ट एंड अदर रिमेन्स इन द ग्राउंड. अभी यहाँ पे आपको कच्चा घर नज़र आ रहा है, कैसे वो मतलब घास के, लकड़ी से, बाम्बू से, स्टिक से घर बनाते थे, और कैसे वो अपना चूल्हा जला रहे. जैसे आज भी आपने गांव में कच्चे घर देखे होंगे, लकड़ी के बने हुए, घास फूस के, बाम्बू से बने हुए, जहाँ अभी भी चूल्हा जलता है. अभी यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, न्यू स्टोन एज विलेज सेटलमेंट एट मेहरगढ़ एंड बलूचिस्तान. अभी यहाँ पे जो मतलब जो पत्थर का ज़माना था वो भी न्यू स्टोन एज में, मतलब ये किसकी पिक्चर है बच्चों, मेहरगढ़ की, वो भी ये कहाँ पे, बलूचिस्तान में है. मतलब वो कैसे उनका सेटलमेंट था, मतलब जो गांव के जो घर कैसे रहते, कच्चे पक्के रहते हैं. पीपल बिगेन टू बिल्ड क्वाड्रेंगुलर हाउसेज ऑफ सन ड्राइड ब्रिक. सम हाउसेज अपीयर टू हैव अ हाइट मोर देन वन रूम. द हाउसेज वर बिल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर. अभी यहाँ पे जो घर हाउस जो थे बनाए जाए थे काफ़ी एक दूसरे के करीब थे. रीजनल डिफरेंस आर सीन इन द स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस. मतलब जो रीजनल डिफरेंस था काफ़ी अलग था डिपेंडिंग ऑन द लोकल क्लाइमेट. मतलब जो मतलब वहाँ पे देख रहे थे क्लाइमेट्स, मतलब उनको कौन सा क्लाइमेट सूट करेगा वो एग्रीकल्चर ग्रो करने के लिए और क्रॉप्स फार्मिंग करने के लिए. विलेज सेटलमेंट एंड किनशिप फैमिली. अभी यहाँ पे विलेज सेटलमेंट अच्छी तरह से होने लगा. इट अपियर फॉर द प्लान्स ऑफ द हाउसेज द विलेज सेटलमेंट द पीपल स्टेइंग देयर बिलोंग टू.
देयर बिलोंग टू सिंगल क्लैन इट मींस दैट दे वर ऑल रिलेटेड टू अनदर दस द एंटायर विलेज सेटलमेंट वाज एन एक्सटेंडेड फैमिली पीपल लिविंग इन वन हाउस वर क्लोज रिलेशन वाज क्लोज बट दे वर ऑल्सो मेंबर ऑफ द एक्सटेंडेड विलेज फैमिली। अभी यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो विलेज सेटलमेंट में जब हो रहा था तो यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे से लाइफ गुजारने लगे, काफ़ी मतलब आबादी बढ़ने लगी क्योंकि उनके पास काफ़ी क्वांटिटी में जो फूड ग्रेन था प्रेजेंट था, इसलिए उन्हें किसी चीज़ कोई भी प्रॉब्लम उन्हें फेस नहीं करनी पड़ रही थी। अ डेड पर्सन वॉज बरीड इधर इन द हाउस और इन द कर्ट यार्ड। अभी यहाँ पे जो भी इंसान मतलब जैसे मेल या फीमेल हो, बूढ़ा बच्चा जवान, जिसकी भी डेथ हो रही थी उसे कहाँ दफनाया जा रहा था, उसे या घर में या किसी कर्ट यार्ड में। जैसे आज भी हमारे एरिए में इलाकों में क्या बन गया है, कब्रस्तान बन गया है, ग्रेव यार्ड बन गया है। द परहैप्स द आइडिया वॉज दैट द पर्सन बॉन्ड विद द फैमिली शुड नॉट गेट कट ऑफ इवन आफ्टर द डेथ। मतलब इससे क्या रहता है कि हमारा जो बॉन्डिंग रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि जो हमारे फैमिली से कोई किसी की भी डेथ हो जाए तो वो हमसे दूर हो जाए, मतलब उसकी मेमोरी हमारे साथ ही रहे। द फैमिली वुड ऑल्सो यहाँ पे अभी फैमिली वुड ऑल्सो बरी वेरियस आर्टिकल विद द डेड पर्सन फॉर देम टू यूज़ इवन आफ्टर डेथ। अभी यहाँ पे जो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा किसी की भी डेथ होती थी, जैसे कोई भी पर्सन रहता था उसकी डेथ होती थी, वो तो क्या करते थे उसे हाउस में या कोर्टयार्ड में क्या करते थे, अच्छी तरह से दफना देते थे। और जब वो किसके साथ दफनाते थे, मतलब वो चाहते थे कि हम अपने घर में या कोर्टयार्ड में किसी में दफनाए, और मतलब ताकि हमारी जो फैमिली मेम्बर्स की जो मेमोरीज रहे उसे हमें भूलें ना। तो यहाँ पे वो उनका जो भी जिसकी भी जाए, वो मेल हो या फीमेल हो या बच्चा हो या बूढ़ा जवान, किसी की भी डेथ होती थी उसका जो भी सामान रहता था, आर्टिकल्स रहता था, जो भी उसकी चीज़ें रहती थी जो भी डेड पर्सन की, तो वो मतलब उसके साथ ही उस पर्सन को जो भी डेड पर्सन रहता था उसको दफना देते थे। मतलब ये इनका कल्चर, जैसे आज भी इजिप्ट में मतलब जो लोगों की मतलब डेथ हो जाती है, ये जैसे मम्मी बना के वो उनकी कब्र बना लेते हैं, चीज़ों के साथ उन्हें दफना डालते हैं। तो यहाँ का जो आज का हमारा जो लेसन था, लेसन नंबर 8 जो था, बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ, कि कैसे प्लैनेट अर्थ में ह्यूमन बीइंग आया, कैसे वो टाइम के साथ साथ वो अपने आप को सेटल कर रहा था, मतलब लैंड में, ज़मीन में सेटल कर रहा था कि मुझे कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। तो आई होप आज का जो लेसन है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।